थाने में दर्ज हुआ मामला पुलिस गहन जांच में जुटी। रविवार 28 नवंबर को धरमजयगढ़ निवासी मदनलाल गोयल द्वारा थाना धरमजयगढ़ में अज्ञात कॉलर द्वारा कॉल कर बैंक खाते से 9,50,000 रुपए की ऑनलाइन धोखाधड़ी करने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। रिपोर्टकर्ता ने बताया कि धरमजयगढ़ में गोयल रेडीमेड के नाम से उनका फॉर्म है। इस फॉर्म के लिए धरमजयगढ़ SBI शाखा से करंट अकाउंट खोला गया। 25 नवंबर को इनका छोटा पुत्र अनुज गोयल बैंक जाकर यूनो ऐप का यूजर नेम और पासवर्ड बैंक के कर्मचारी से प्राप्त करके दुकान आया और यूनो ऐप से दूसरे व्यापारी के खाते में रुपए डालने का प्रयास किया। तब उस व्यापारी का अकाउंट नंबर ऐड नहीं हुआ, जिस पर अनुज गोयल गूगल पर कस्टमर केयर का नंबर सर्च कर उसमें कॉल किया। तभी कुछ देर बाद अनजान नंबर से उनके मोबाइल पर फोन आया, जिसमें उसने कहा कि कस्टमर केयर पर कॉल किए थे क्या, जानकारी चाहिए। तब इन्होंने यूनो पर अकाउंट नंबर ऐड करने के संबंध में पूछताछ की। अज्ञात कॉलर द्वारा बैंक से जुड़े रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मांगा और ऐप डाउनलोड करने बोला और OTP पूछा। इस दौरान मदन गोयल के SBI खाते से रुपए 4,50,000, उसके बाद फिर से 5,00,000 बैंक खाते से आहरण होने का मैसेज आया। मैसेज देखकर उन्हें ऑनलाइन ठगी होने का एहसास हो गया। इसके बाद मदन गोयल ने तत्काल थाने और बैंक में सूचना देकर खाते को होल्ड कराया। उन्होंने बताया कि इनके द्वारा किसी प्रकार की रकम का आहरण नहीं किया गया, अलबत्ता किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा 9,50,000 की ऑनलाइन ठगी की गई। थाना धरमजयगढ़ में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध 420 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। थाना प्रभारी विजय पैंकरा ने इस घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि पीड़ित द्वारा ऑनलाइन ठगी के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। मामला काफी पेचीदा और गंभीर है। फिलहाल पुलिस गहन जांच में जुटी है। समय न्यूज के लिए धरमजयगढ़ से असलम खान की रिपोर्ट।